देखते रहे UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के पूर्व से ही सांसद रहे रोडमल नागर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहे हैं। कुछ समय पहले शिवराज सिंह के सामने रोडमल नागर के विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। फेसबुक पर कांग्रेस ने अपनी जीत घोषित कर दी। कांग्रेसियों का कहना है कि किसी को भी खड़ा कर दो, जीत कांग्रेस की होगी। देखिए और आगे देखते रहे UVN 08। भारतीय अमृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील प्रसाद जी ने बताया कि भारतीय अमृत पार्टी यानी कि बाप भी इस बार चुनाव मैदान में, पहली बार हम चुनाव में उतरे हैं। राजगढ़ लोकसभा से खुद डॉक्टर सुशील प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने क्रेन दिया है। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। हमारी पार्टी भारतीय अमृत पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्रेन, और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवारों का उतारेंगे और कवायद अभी जारी है और जल्द ही हम जीत हासिल करेंगे और पूरे प्रदेश में और जिला राजगढ़ में हम अपनी पार्टी का परचम लहराएंगे, ये हमारा वादा है और गारंटी है। मैं डॉक्टर सुशील प्रसाद, मेरा नाम है। जी सर, आपकी पार्टी का नाम क्या है? मेरी पार्टी का नाम है भारतीय अमृत पार्टी, और उसको शॉर्टकट में आप जैसे आप ऐसे बाप BAP बाप बोल सकते हैं। सर, राजगढ़ जिले में आपकी पार्टी कैंडिडेट, राजगढ़ जिले से आप ही उतरने का कैंडिडेट के रूप में? देखिए, राजगढ़ जिले से मैं स्वयं उतरना चाहता हूँ, क्योंकि जिले की सारी भौगोलिक और हर आर्थिक स्थिति से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, और जिला राजगढ़ को मैं एक स्वर्ग के रूप में देखना चाहता हूँ, और ये मेरी पूरी दिल से और देव और पूरे देव प्राण आत्मा से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिला राजगढ़ को मैं बिल्कुल एक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ बदलना चाहता हूँ। अच्छा, कौन कौन सी सौगातें आप राजगढ़ जिले को देंगे जीतने के बाद? देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि कई पार्टियों ने विश्वास दिलाया कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, लेकिन आज तक किसी तरह की पार्टी ने 100% किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया है। सिर्फ ये भ्रम की बातें हैं, ना तो बिजली, पानी, सड़क और किसी तरह की कोई भी मूलभूत सुविधाएं हमारे ज़िले में नहीं है, और पिछले 60 वर्षों से मैं स्वयं देखता आ रहा हूँ कोई तरक्की नहीं है।